खजुराहो से एयरपोर्ट। खजुराहो में महिला सफाई कर्मियों का पीएफ घोटाला आया सामने। महिला सफाई कर्मी ने ठेकेदार एवं वारसेट कंपनी के ठेकेदार ने 18 माह तक पीएफ खाया। खजुराहो एयरपोर्ट अथॉरिटी भी सवालों के घेरे। कर से परेशान महिला सफाई कर्मी सुनीता अनुरागी पीएफ की टेंशन में खजुराहो एयरपोर्ट में मरणासन में अवस्था में खजुराहो अस्पताल लाई गई। इलाज के दौरान जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया। अभी देखो, अभी फ्लूड लगवा रहे थे, फ्लूड की ये पत्ता कौन है? उसका पेन खोल दो, साड़ी का पेन खोल दो, खोल दो। श्वेता, क्या खा रही? एक दे रही। साड़ी का पेन खोल दो आराम से। खाया नहीं तो कुछ? बड़ी जब खा दूँगी या कुछ? बस मैं हम लोग टेंशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहा हूँ। शुक्ला जी आ जाओ ना। आप कहाँ से हो? प्रेमनगर से। क्या है ये कि क्या हो जो अभी आए हैं एम्बुलेंस में लेकर के आए, क्या घटना हुई है इसके साथ? सर कल नौकरी से अचानक निकाल दिया गया सबको। कितने लोगों को? 35 है हम लोग। कितने महीने से तनख्वाह नहीं दी आप लोगों को? सर तनख्वाह तो हम लोग को चलते 6-6 महीने के बाद में भी मिलती थी तो भी हम चला रहे थे कि चलो चलते। जिनसे कर्जा उर्जा लिया भी है लोगों ने तो उनसे ये था कि भाई 4-6 महीने मिल जाएगा तो हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कल सडनली मना किया गया हम लोगों को 5:30 बजे के करीब कि आप कल से नहीं आएंगे। कितने लोगों को? सर हम ड्यूटी पे उस समय थे 21 थे, जिनमें कि हमारा जो मेन सुपरवाइजर है उसको रखा गया, गया प्रसाद पटेल वो ऑफिस में थे तो उनको रखा गया और बाकी हम सबको निकाल दिया गया। कारण क्या बताया इसके पीछे का? कारण इसका ये बताया कि हम पेमेंट नहीं दे सकते हैं आप लोगों को, तो हमने ये भी कहा कि आप पेमेंट आज नहीं दे सकते हैं, 1 साल बाद देंगे, क्योंकि खजुराहो में काम के लिए कोई जगह है नहीं सर, आप लोगों को मालूम है। और हम लोग 2016 से लगे हुए हैं यहाँ पे, तो जब 2016 से हम लगे हैं, 2 कॉन्ट्रेक्टर हमारे चेंज हो चुके हैं, तो उसके जरिए मैं क्या बोलती हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं, एकदम सडनली उन्होंने मना किया। और उस लेडीज़ को इतना ज़्यादा टेंशन हुआ कर्जे से कि वो क्या बोलते हैं एकदम अचानक से गिर गई। पानी पीने के लिए बोला गया तो हमको कहते हैं जो वहाँ है पास भी हम लोगों ने लिया एंट्री कार्ड, फिर भी हमको वहाँ से एंट्री कार्ड के लिए मना कर दिया गया अंदर में कि इनको पानी के लिए भी नहीं जाने दिया जाए, तो CSF ने भी हमको पानी के लिए नहीं जाने दिया। तो हमारे पास पानी जी सर, आपने कभी शिकायत की विभाग में हम सैलरी नहीं मिल रही है, ये परेशानी है हमको? सर हम तो इन्हीं को जानते हैं तो इन्हीं को हमने शिकायत किया, लिख के भी लेटर दिया है सर, लेकिन कल हमारे साथ जो अचानक हुआ उसके जरिए इस लेडीज को ज़्यादा ही सदमा। अब आप लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए।
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब कहते कहते हैं ना कि आपने 6 महीने काम किया, आपको 6 महीने नहीं सर, 2016 से आपको वेतन नहीं मिला है, अगर वेतन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग, क्या धरना पे बैठेंगे, क्या है आगे का? सर धरना का तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्या लेकिन हमारा जो भी रहेगा हम आगे ऊपर तक कंप्लेन करेंगे सर, जो जैसे हमको क्या बोलते हैं जानकारी मिलती जाएगी, क्योंकि हम इससे से तो अनभिज्ञ हैं कि क्या करना है आगे, लेकिन जो भी करना है तो हम आगे। तो आप लोग का काम क्या था आपका? काम हम लोग का कहते हैं साफ सफाई का था, जिसमें मैं सुपरवाइजर थी। ठेकेदार के अंडर थी आप लोग? हम ठेकेदार के अंडर थे, लेकिन ठेकेदार का कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया क्या सर? ये कह रहे हैं सडनली कल उन्होंने कहते बंद कर दिया, लेकिन कहते ये तो 3 महीने का था ठेका, समय सीमा को भी समाप्त पहले ही निकाल साल जी, उससे पहले ही निकाल दिया। क्या एयरपोर्ट की गाड़ी जो आई थी एम्बुलेंस छोड़ के फिर भाग गई, दोबारा फिर आई क्यों? जी हाँ, इसलिए क्योंकि उस लेडीज को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं बीपी हाई हो गया, और डॉक्टर साहब ने गुप्ता साहब ने ये बोला कि इनको कहते हैं जितने जल्दी हो सके छतरपुर ले जाया जाए। कितने देर के बाद आई गाड़ी जब छोड़ के भाग गई आपको मरीज को? करीबन 1.5 घंटा हो गया सर। हो गई आपके अस्पताल में जो महिला आई है, कैसी महिला आई थी? तो उसका बीपी बढ़ा हुआ है और वो उसको प्राथमिक उपचार दिया गया बीपी के संबंध में, और उसको सलाह दी गई जिला चिकित्सालय के सारे चेकअप करा लीजिए। तो ये कहाँ से आई महिला? अभी एयरपोर्ट वाले लेके आए हैं, एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारी लेके आए। तो आपने छतरपुर के लिए रेफर कर दिया? हाँ, क्योंकि उसका बीपी रेस ज़्यादा करा तो उसको लगा है, पर्दा चेकअप हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा सीरियस है महिला? नहीं अभी ऐसा सीरियस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चेकअप होना आवश्यक है।